के एक और जबरदस्त ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानने के लिए एक्साइटेड होंगे कि गोवा का माहौल क्या है, क्या गोवा में टूरिस्ट हैं और गोवा में क्या क्या खुल गया है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। मैंने गोवा के लगभग सारे बीचों का वीडियो अभी मींस दिसंबर में बनाई हूँ, आप मेरे वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए मेन टॉपिक में आते हैं। आज है 16 दिसंबर और गोवा का माहौल दिखाने के लिए मैं आ गई हूँ स्वीट वाटर लेक, जिसे फ्रेश वाटर लेक भी कहा जाता है, जो कि विदेशी लोगों का पसंदीदा प्लेस है। इस बीच को कालचा बीच कहते हैं और यहीं पर राइट साइड लेक है। यह लेक और बीच कहां पर है और कितनी दूर है और बीच पर मुझे वीडियो बनाने से किसने मना किया, इसकी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए लेक दिखाती हूँ। इस लेक पर भी बेड है, आप पे कर सकते हैं और बैठ सकते हैं। यहाँ पर कचरा फेंकना बिल्कुल मना है। आप देख सकते हैं प्यूपिल स्विमिंग कर रहे हैं। यहाँ पर स्विमिंग अलाउ है, आप स्विमिंग कर सकते हैं। मैं रिटर्न आकर वीडियो बना रही थी तो इस अमेरिका वाली दीदी ने वीडियो बनाने से मना कर दिया। मैंने उनसे पूछा क्यों, तो उन्होंने बोला कि हम लोग विदाउट मास्क हैं, इसलिए मुझे वीडियो बनाने से मना कर दिए। लेकिन वे लोग बहुत अच्छे थे। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि इस लेक पर आने के लिए आपको अरम्बुल बीच आना पड़ेगा, जो पंजिम सिटी से 35 किलोमीटर दूर है और यह लेक अरम्बुल बीच से लगभग कनेक्टेड है। स्वीट वाटर लेक का वीडियो लॉकडाउन से पहले का अगर देखना है तो आप मेरे चैनल में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे गोवा की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।